नाम संजय है। मैं जी हरियाणा भिवानी डिस्ट्रिक्ट से लोहारू से आया हूँ। हम जी यहाँ हमने मिसिज है जो ये रेलवे आरपीएफ में नौकरी करती है अहमदाबाद में। हाँ, वहाँ पर जो यात्री आते हैं उन्होंने बताया कि ये वहाँ पर एक बैरापन को इनको सुनाई देता है जो ऐसे लोग आते हैं। हाँ, तो इन्होंने बताया इसने उनको एक बार पहले मिला तो ये एड्रेस लेना भूल गई, तो कर्मों का ऐसा हुआ कि एक बार फिर मिल गए इनको, इन्होंने वो एड्रेस ले लिया। एड्रेस ले लिया तो एड्रेस के बाद इन्होंने, ये मेरी सिस्टर है तो हमने इसहार हॉस्पिटल में दिखाया, जयपुर सवाई मान सिंह में दिखाया, इनको इसको वो नहीं था। ऑपरेशन के लिए बोला तो वहाँ पर जो ऑपरेशन करे हुए बच्चे थे ना उनको वे ऐसे हो रहे थे जिनको पागलपन सा लगा, तो हमने ऑपरेशन के लिए तो मना कर दिया वैसे। तो अब इन्होंने बताया तो हम यहाँ ले गए, तो अब इनको बहुत बढ़िया सुनाई दे रहा है, तो महसूस खूब अच्छी तरह करे। अहमदाबाद रेलवे स्टेशन पे आरपीओ में सर रिजर्वेशन करवाने रिजर्वेशन ऑफिस में आते हैं, तो उन लोगों से मैंने बातचीत किया तो उन्होंने आपका एड्रेस दिया, तो हम लेके यहाँ से आए। ये मेरे ननद राजस्थान से आए, तो इसको लगा कि बच्ची को कि वो कानों में लगाया तो वो बंद किया तो वो बंद हो गया, तो कुछ फर्क लगा तभी तो उसने रखा सर। मेरा नाम सुमन है सर, मैं तो बढ़िया लगा कि तेरा ऑपरेशन के इलाज हो जाए तो इससे अच्छा हो क्या होता। इनके लिए संदेश ये है जी, आप हमारी लड़की उसमें इससे बढ़िया संदेश कोई नहीं, उनको भी बेहतरीन एक बार आएंगे ना तो उनको पता चलेगा। मेरे को ये पहले तो इसको चेक करवाया, फिर हमको लगा कि मेरे पड़ोस में तीन बच्चे ऐसे हैं जो लोहारू में हैं, एक राजस्थान से है, तो मैं मेरे ये मन में अभी खुशी हो रही कि मैं उनको भी बताऊं जाके। हाँ, वो भी सुन गई, लेकिन उनको भी बहुत बढ़िया असर हुआ। अरे इसको ये मानो कि जीरो थी, आज जीरो से अगर अभी इसको 20% 30% फायदा होगा तो आगे आपने ये 3 महीनों की दवाई दी है, 3 महीनों के बाद तो ये पता नहीं कि भगवान कैसी खुशियाँ बांट देगा। ये कम सुनने वाले और बिल्कुल न सुनने वाले घबराए नहीं, नशे सूख जाने से आए हुए कान के तमाम प्रकार के बहरेपन को अब बिना मशीन बिना ऑपरेशन के सुनवाने की क्षमताओं को बढ़ा देने के स्पेशल शिविर कान दोष निवारण केंद्र अहमदाबाद में लगाए जा रहे हैं।